हेलो, माय नेम इज मिनी सेटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग। ओके, और फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग क्या है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? प्री एक्शन कंट्रोल। क्या है? प्री एक्शन कंट्रोल। कोई टास्क लेने से पहले, कोई टास्क स्टार्ट करने से पहले जो हम कंट्रोलिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं वो क्या है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये एग्जांपल से ही समझ में आएंगे। जैसे नेक्स्ट वीक इम्प्लॉइज को 300 यूनिट का क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट वीक इम्प्लॉइज को 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो एक वीक पहले से ही हम क्या करते हैं? मशीनरी को ऑयलिंग देते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं। ठीक है, इनपुट्स का प्रॉपर उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन अभी नेक्स्ट वीक होगा लेकिन उसके एक वीक पहले हम मशीनिंग की ऑयलिंग करते हैं, इनपुट्स को चेक करते हैं, इम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं, ताकि जब प्रोडक्शन हो तब कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझ रहे हो? ये कंट्रोलिंग हम कोई एक्ट या कोई एक्शन स्टार्ट करने से पहले करते हैं। जैसे प्रोडक्शन तो नेक्स्ट वीक होगा लेकिन उसके एक वीक पहले हम मशीन को चेक करते हैं, इनपुट को चेक करते हैं, इम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं, ताकि जब प्रोडक्शन हो तब कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कंट्रोल क्या करते हैं? टास्क को स्टार्ट करने से पहले लिए जाते हैं ताकि टास्क के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होते हैं? किसी टास्क को, एक्शन को स्टार्ट करने से पहले लिए जाते हैं ताकि जब एक्शन हो तब कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, बहुत विंटर का टाइम होता है तो दरवाजा खुलते ही फैक्ट्री के अंदर जहां प्रोडक्शन हो रहा बहुत ज्यादा कूलिंग आ जाती है, एक्सट्रीम लेवल की कूलिंग आ जाती है। जैसे डोर खुलता है तो वहां पे ऑटोमेटिक हीटर लगा दिया कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा ऑटोमेटिक हीटर अपने आप ही ऑन हो जाएगा, फैक्ट्री में कूलिंग ना हो, मींस ये प्रॉब्लम ना आए उससे पहले ही आपने ऑटोमेटिकल हीटर लगा दिया ताकि जैसे दरवाजा खुले अपने आप हीट शुरू हो जाए वहां पे। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। कोई प्रॉब्लम ना आए उससे पहले जब हम एक्शन ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। ओके, कॉन्करेंट कंट्रोल कौन से होते हैं? जब आपका टास्क चल रहा है, जब कोई ऑपरेशन चल रहा है, जब कोई काम हो रहा है उस टाइम पीरियड पे। जैसे मैनेजमेंट क्या करता है? किसी फील्ड इंजीनियर को किसी कस्टमर के घर भेजता है। मैनेजमेंट क्या करता है? फील्ड इंजीनियर को किसी कस्टमर के घर पे भेजता है। मैनेजमेंट मोबाइल ऐप के थ्रू, जीपीएस सिस्टम के थ्रू ये ट्रैक कर लेता है कि क्या इस, जैसे 9 बजे कस्टमर के घर पहुंचना था, क्या 9 बजे वो बंदा कस्टमर के घर पे था या नहीं था, कस्टमर की लोकेशन पे था या नहीं था। ये कंट्रोलिंग क्या कॉन्करेंट कंट्रोलिंग का एग्जांपल है, जो काम करते टाइम जब कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तब हम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फील्ड इंजीनियर को किसी के घर पे भेजा था, तो मैनेजमेंट ने अपने डेस्क पे बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि वो कस्टमर के घर पे पहुंचा या नहीं पहुंचा मोबाइल ऐप और जीपीएस सिस्टम के थ्रू। तो ये किसका एग्जांपल है? कॉन्करेंट कंट्रोल का। जब हम काम करते टाइम पे ही कंट्रोलिंग करते रहते हैं तो वो क्या होता है? कॉन्करेंट कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड काम से पहले, कॉन्करेंट काम करते टाइम। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जब उसकी परफॉर्मेंस चल रही है एम्प्लॉइज की, तभी साथ के साथ मैनेजमेंट उसको देख रहा है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ये फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जैसे 15 दिन के अंदर अंदर 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, जब 15 दिन बीत गए हैं तब देखा जाता है कि 300 का प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। 300 आपका स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में आपने कितना 200 का किया या 250 का किया या 300 का पूरा कर दिया, ये देखा जाता है। और ये तब देखा जाएगा जब 15 दिन बीत जाएंगे, ठीक है, ये एंड ऑफ द टाइम देखा जाता है, एंड ऑफ द पीरियड देखा जाता है, जो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? जब कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है, इसको पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी बोलते हैं। जब कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तब ये कंट्रोलिंग की जाती है, तब देखा जाता है। जैसे 15 दिन का टाइम दिया था 300 का प्रोडक्शन करने के बाद, जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे फिर देखा जाएगा कि आपने 300 का प्रोडक्शन किया या नहीं किया, उससे ज्यादा किया या उससे कम किया। आई थिंक आपको समझ में आएगा। फीड फॉरवर्ड एक्शन से पहले, कॉन्करेंट एक्शन के टाइम पे, फीड फॉरवर्ड जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।